नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है अबीज टीचिंग माइंड। तो डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो कल मतलब 6 जनवरी 2021 को लगने वाली थी, लेकिन वो आज सुबह मतलब 7 तारीख को लग चुकी है। और आपका जो कास्ट वाइज सीट मैट्रिक्स है तो वो भी लग चुका है। अगर आपको ये मेरिट लिस्ट चेक करनी है तो कैसे कर सकते हैं, देखो खाली इधर महासीईटी आपको गूगल पे जाके टाइप करके और सर्च करना है। जो पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। इधर से अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप इधर से डेस्कटॉप साइट कर सकते हैं। अब इधर क्या करना है आपको, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है। अभी ये देखो, ये जो सेकेंड नंबर का है फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट डिप्लोमा कैंडिडेट 7/1/2021 न्यू, इधर आपको क्लिक करना है। इधर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, ये देखिए, ये है डायरेक्ट सेकेंड ईयर फाइनल मेरिट लिस्ट। हमने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की वीडियो देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, आप जाके देखिए। मैंने उसमें हर एक कंटेंट को एक्सप्लेन किया है, स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर मतलब क्या, मेन ग्रुप जनरल मेरिट नंबर मतलब क्या, सब ग्रुप, कैटेगरी वाइज आपका कितना रैंक, ये सब मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप प्लीज जाके देखिए। तो ये है फाइनल मेरिट लिस्ट, ये आज सुबह ही लग चुकी है, तो आप इसमें आपका चेक कर सकते हैं। मैंने बताया था अगर आपको चेक करना है, ये बहुत बड़ी होती है, 1478 पेज की है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इधर सर्च पे क्लिक करके आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी है वो इधर डालना है, वो आपको उस आपके पेज पर लेके जाएगा। ओके, तो ये है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें समझा इसमें इसका हर कंटेंट मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, आप उसको जाके देखिए। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, ये फाइनल मेरिट लिस्ट, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। अभी आपको अगर आपका मेरिट स्टेटस चेक करना है तो क्या करना है, व्यू डिप्लोमा मेरिट स्टेटस, फाइनल मेरिट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपने जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को चेक किया था, सिमिलरली ऐसे ही आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो इधर आपको एप्लीकेशन आईडी डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है, वो आपको आपका जो भी फाइनल मेरिट स्टेटस होगा वो आपको दिखाया जाएगा। ओके, तो ये है हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट, आप सब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट चेक कीजिए। अभी जो है वो है कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या होता है कि कौन से कॉलेज में कौन से कास्ट को कितने सीट्स अलॉट हुए हैं, कितने सीट्स मिले हैं, तो ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारी है आज की सीट मैट्रिक्स है, इसमें लैटरल एंट्री सीट्स पहले है और वैकेंट सीट्स है, जिसमें कितने परसेंट हर कास्ट के लिए कितने परसेंट रिजर्वेशन है, सीट रिजर्वेशन है, ये हमें इधर दिख रहा है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, आप उधर से ये देख सकते हैं। देखो EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पर्सनल विद डिसेबिलिटी, डिफेंस, और इसमें अभी ये देखो, अभी ये पहला ग्रुप है। मेन ग्रुप जो होता है वो हम अभी केमिकल इंजीनियरिंग का ग्रुप का जो कोड होता है वो 01 होता है। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग ग्रुप का केमिकल इंजीनियरिंग जो ग्रुप होता है उसका कोड होता है 01। और जो सब ग्रुप होता है मतलब केमिकल इंजीनियरिंग ग्रुप के सब मतलब उसके अंडर जो आता है वो है केमिकल टेक्नोलॉजी। ओके, पल्प, पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी, तो उसके सब ग्रुप के कोड होते हैं। ओके, तो वो है सब ग्रुप 0101। अभी क्या है, अभी ये देखो, पहले इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, 6028 जो है, ये 6028 ये इंस्टीट्यूट का DTE कोड है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर। अभी ये जो चॉइस कोड है, ओके, आप देख सकते हो ये चॉइस कोड है, चॉइस कोड के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इधर क्या है, नॉन माइनॉरिटी सीट्स 36, माइनॉरिटी सीट्स 0। ओके, ओपन, अभी इधर क्या है देखो, ओपन के लिए जनरल में 11 सीट्स अवेलेबल है और लेडीज़ को 4 सीट्स अवेलेबल है। एससी में जनरल को 3 सीट्स अवेलेबल है, लेडीज़ को
वन सीट अवेलेबल है। सिमिलरली एसटी को जनरल में 2 है, लेडीज को 1 है। ये जो जी है वो जनरल, जनरल मतलब क्या, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन गो इन दिस कैटेगरी, एंड लेडीज मतलब ओनली गर्ल्स कैन गो। ओके, सो जनरल लेडीज ऐसे आप दे सकते हैं, एन टी बी के लिए लेडीज के लिए 1 सीट है, एन टी सी के लिए जनरल और लेडीज दोनों के लिए 1-1 सीट है। ओके, वैसे ही ओबीसी के लिए जनरल में 5 है, लेडीज में 2 है। अब इधर पीडब्ल्यूडी जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ओपन के लिए 1 सीट है, रिजर्व कॉमन, और डिफेंस के लिए भी 1 सीट रिजर्व कॉमन, और ये 2 सीट्स है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 2 सीट्स है। ओके, वैसे हम पेपर, अगर आपको आपके कॉलेज का चेक करना हो, अगर एक बताता हूँ मैं, 6006 ये कोड है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, तो क्या करना है हमें, इधर ऊपर सर्च करना है 6006, तो वो सर्च होगा। अभी क्या होगा, 6006 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ओके, अभी ये चॉइस कोड इम्पोर्टेंट होता है। ओके, 6006, अभी इधर देखो, ओपन के लिए जनरल लेडीज़ को 2-2 सीट्स है, एससी के लिए जनरल को 1 है, लेडीज़ को, ऐसे आप कौन सी सीट, आप कौन से कैटेगरी से हो, और आपके कैटेगरी को कौन से कॉलेज में कितने सीट्स मिले हैं, कितने सीट्स अलॉट हुए हैं, ये आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो इधर। ओके, इधर पीडब्ल्यूडी एंड डिफेंस को 1 भी सीट अवेलेबल नहीं है इस चॉइस कोड को। अभी ये चॉइस कोड जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अभी ये देखो, ये जो चॉइस कोड है ये क्या है, ये 9 डिजिट नंबर होता है, जैसे कि 6006119110। ओके, ऐसी ये एक चॉइस कोड होता है। अभी ये चॉइस कोड का जो एक मीनिंग होता है, अभी ये जो चॉइस कोड है उसमें जो पहले 4 नंबर्स है, 4 डिजिट होते हैं 6006, ये क्या दिखाते हैं, ये आपके कॉलेज का या आपके इंस्टीट्यूट का DTE कोड दिखाते हैं। दिस इज योर DTE कोड। ओके, मतलब आप जब 6006 सर्च करेंगे तो आपको कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ऐसा दिखाई देगा। ओके, इधर देखो इंस्टीट्यूट कोड एंड नेम, ये जो 6006 है ये इंस्टीट्यूट कोड है। उसके बाद जो 3 डिजिट होते हैं 191, ये आपका कोर्स दिखाते हैं। कोर्स मतलब आप आइदर मैकेनिकल से हो या सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, या अभी ये 191 जो है ये कोर्स, ये जो कोड है वो सिविल का है। ओके, और आगे के जो 2 नंबर से 10 वो आपको दिखाते हैं कि आप TFWS स्कीम से हो या नॉर्मल स्कीम। तो ये होता है चॉइस कोड का असली मतलब। जो 4 नंबर होते हैं वो आपको इंस्टीट्यूट का कोड है, जो आगे के 3 नंबर से वो आप कौन से, वो कोर्स के कोड है, आइदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल, और जो आगे के जो 10 है वो आपको बताते हैं कि आइदर TFWS और नॉर्मल। अभी ये जो 191 है वो सिविल का कोर्स कोड है। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो उसका कोड है 245। अगर आप केमिस्ट्री इंजीनियरिंग, द कोड इज़ 507। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड इज़ 246। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कोड इज़ 612। ENTC, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, द कोड इज़ 372। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोड इज़ 293। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कोड इज़ 376। सिविल इंजीनियरिंग, द कोड इज़ 191। अगर आपको इन कोड्स की पूरी लिस्ट चाहिए कि कौन से कोर्स का कौन सा कोड है, कौन से इंस्टीट्यूट का कौन सा कोड है, कौन से कोर्स का कौन सा कोड है, अगर आपको ये चाहिए, PDF की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उधर आप जाके देख सकते हैं। ओके ओके, तो ये होता है चॉइस कोड, चॉइस कोड का असली मतलब। मतलब अब इधर 191 जो है तो उसके हिसाब से ये कौन सा है, सिविल इंजीनियरिंग को। सिविल इंजीनियरिंग में आपके कैटेगरी के हिसाब से ओपन में जनरल को 2, लेडीज़ को 2, ऐसे आपको सीट्स क्या हुए हैं, अलॉट हुए हैं। तो ये है कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। ओके, तो पता चला फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, ये दोनों आज सुबह मतलब 7 जनवरी 2021 को लग चुके हैं। आप आपका चेक करना चाहते हो तो ज़रूर जाके आप, मैंने जैसे बताया है वैसे चेक कीजिए, कौन से कॉलेज में आपके, कौन से कॉलेज में आपके कास्ट को सीट्स अलॉट हुए हैं, परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्वेशन है, उधर जाके आप देखिए, और उसके बाद ही ऑप्शन फॉर्म भरना। ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना करे, उसका सीक्वेंस सही तरीके से भरें। उसमें भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी अपडेट सही समय पर
सही समय पे मिलते रहे। थैंक यू।